हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी बताती हूँ। देखो, जो डिवन रियल डिवाइन फेमिनेंस जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है दोस्तों, अवेकनिंग के बाद डार्क नाइट ऑफ सोल ज़रूर गंदा होता है, लेकिन रियल डिवाइन फेमिनेंस की ग्रोथ होती है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही किसी भी चीज़ में, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते हो। कम से कम मान लीजिए बहुत हो गया तो 2 ईयर्स, बस उसके बाद तो आपकी ग्रोथ होनी ही चाहिए। अगर नहीं हो रही है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो, आप डीएन से इंकाउंटर करते हो, हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, धीरे धीरे बाकी चक्र एक्टिवेट होते हैं, आपकी कुंडली राइज होती है, जो एक सैक्राल चक्र ब्लॉक होता है डिवाइन फेमिनिन का, वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से जो है वो एक्टिविटीज़ अपनी शो करने लगती है, क्रिएटिविटी दिखाने लगती है, और उसकी लाइफ में अबेंडेंस आता है। पहले वो बहुत ट्राई करती है, बट उसकी लाइफ में अबेंडेंस नहीं आता। बट जैसे ही उसका सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो जाता है, उसकी लाइफ में अबेंडेंस आने लगता है। तो डिवाइन फेमिनिन की हर एक विश कंप्लीट होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। बट उनके डीएम कब आएंगे या तो भगवान ही बता सकता है। और ऐसे में क्या हो गया कि जो डिवाइन फेमिनिन थक चुकी है, थक के जो है उनको कुछ डिवाइन फेमिनेंस की लाइफ में सोलमेट आया है, तो कुछ की लाइफ में हो सकता है कुछ और खुशी आई हो। ओके, कुछ भी हो सकता है, कोई बेबी आया हो, और हो सकता है कोई ऐसी फ्रेंड मिल गई हो सकता है उनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा हो, तो ये हो सकता है। तो किसी भी वे में डिवाइन फेमिनेंस जो है मूव ऑन कर, क्योंकि वो इतनी थक चुकी है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने डीएम का इंतजार करते करते, तो उनको ये होता है कि पहले हम किसी कनेक्शन में जा नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे वाइब्रेशन लेवल का नहीं होता। बट कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइन फेमिनिन को दिया गया है जो उनके वाइब्रेशन लेवल का है, फिर वो सोलमेट हो, कोई फ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उनको थोड़ी सी खुशी दी गई है, जिसकी वजह से जो है वो लिटरली मूव ऑन कर चुकी है अपने डीएम से, और जो भी थर्ड पर्सन है जो कि उन्हीं के वाइब्रेशन लेवल का है, वो एनर्जेटिकली उनको बहुत कंफर्ट दे रहा है। तो नाउ नॉट ओनली इन अ 3D, बट एनर्जेटिक लेवल पर जो कंफर्ट दे रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से जो है डिवाइन मैस्कुलाइन से मूव ऑन नहीं कर पाते डिवाइन फेमिनिन। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो उनके वाइब्रेशन लेवल का होता है, जब तक दूसरा वाइब्रेशन लेवल मैच नहीं हो सकता, वो थोड़ा सा भी दिल नहीं लगा सकती किसी के साथ। तो अगर कोई फ्रेंड भी हो मान लीजिए, बट उनके वाइब्रेशन लेवल के हो, तो थोड़ा सा कंफर्ट उसको मिल जाता है। तो यही कंफर्ट डिवाइन फेमिनिन को दिया गया है। अब डिवाइन फेमिनिन तो मूव ऑन कर चुकी है, खुश है उनको, क्योंकि उनका जैसे ना भगवान ने ना उनके लेसन्स कंप्लीट कर लिए, मतलब जितना भी दुख उन्होंने लाइफ में देखा था, जितनी भी तकलीफें देखी थी, अब एक 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 करके जो है भगवान उनकी सारी तकलीफों को दूर कर रहे हैं। जितना भी उन्हें सफरिंग भोगना था वो भोग चुकी है। अब जो है भगवान चाहता है कि उनको सारी उनकी विशेष कंप्लीट हो, उनका सब अच्छा हो, जितना हो सके उतना, तो करियर में उनको ग्रोथ दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं। ओके, वो जो बोले वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन जिन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया था, वो जो है पहले तो उनको एनर्जेटिक लेवल पर वो बात समझ में आई कि डीएफ किसी और के साथ है या किसी और चीज़ में एंगेज है। अब वो उनको पहले तरह मिस नहीं करती, पहले की तरह वो मैसेजिंग नहीं करती, कॉल नहीं करती, रिप्लाई नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। ओके, तो ये गई तो कहाँ गई? तो उनको ड्रीम के थ्रू हो या कुछ भी थ्रू हो, थोड़ा बहुत मैसेजिंग भगवान भी करते हैं कि देखो तुम्हारी डीएफ जो है कहीं और एंगेज कर दी गई है तुम्हारे बिहेवियर की वजह से। ओके, तो ये एक स्टॉप स्टॉप वाला बिहेवियर था डिवाइन मैस्कुलिन का, जो कि अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, कांटेक्ट नहीं करते थे। तो कुछ टाइम के लिए उनको जरूर बुरा लगा, अब जो है वो थोड़े से ऐसे स्टक, मतलब कुछ नहीं, बस एक्सेप्टेंस है। यस, वो चली गई है, चली गई तो चली गई है, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, मतलब क्योंकि इस एनर्जी के सिवा अपने डीएफ की जो एनर्जी है वो अब किसी और को दे रही है, तो अब इस एनर्जी के सिवा डिवाइन मैस्कुलिन का गुजारा नहीं होने वाला।
आई होप कि कोई देखो क्या होता है कि उनको जो है हर तरीके से जगाने की ईश्वर कोशिश करता है, तो इसमें ही वो भी कुछ लेसन्स छुपे हुए हैं। आई होप कुछ गलत ना हो, जैसे कि पहले डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में उनको करियर में बर्बाद कर देते भगवान, 3D में उनके रिलेशंस खराब कर देते, बीमारियां ये वो दुनिया भर की परेशानियों में उनको डाल देते हैं। तो तब जाके उनको थोड़ा अवेकन होता है, अवेकनिंग आई नवंबर में, कुछ अवेकनिंग आई डीएम्स को, और उस टाइम पे मुझे ड्रीम भी दिखाई दिए थे, जैसे हीरे की खान लगी हो ना, तो वैसे रोज क्वार्ट्स के हीरे दिख रहे थे मुझे, रोज क्वार्ट्स गुड पिंक कलर के पत्थर दिख रहे थे हर तरफ। मतलब प्यार जाग चुका है, अवेकनिंग हो चुकी है आपके डीएम की, उसको समझ में आ चुका है कि आप कौन है। ओके, तो अवेकनिंग हो चुकी थी, अब 9 महीने 9 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं अवेकनिंग को, देखते हैं आगे क्या होता है। बस ये जरूर है कि डीएम कभी भी ग्रोथ नहीं करता अगर डीएफ चली जाए। तो अब डीएम की कौन से लेसन्स बाकी बचे हैं जो लेने हैं, अब डीएम की लाइफ में कौन से चेंजेस आते हैं, और डीएफ क्या जो है किसी और के साथ रह सकती है या वो टेम्पररी फ्रेंड है, देखते हैं आने वाले एपिसोड में। ओके, तो रेकी जरूर सीखिए, रेकी से आपकी साधना, आपका इनर वर्क फट से कंप्लीट हो जाएगा, वरना हजारों साल तक भी तपस्या करोगे दोस्तों तो आपका इनर वर्क नहीं होने वाला है, और कोई भी निगेटिव एनर्जी कभी भी आपको परमिशन नहीं देगी कि आप रेकी सीखो। आप हॉरोस्कोप रीडिंग करवा सकते हैं मुझसे, बहुत सारे जो प्लैनेट हमारे होते हैं आगे जाके बहुत मुसीबत में हम ना फंसे, इसलिए थोड़ा बहुत जो है हमको पता होना चाहिए अपने हॉरोस्कोप का, तो हॉरोस्कोप भी करा सकते हैं। एंजल थेरेपी भी सीखिए, इस जर्नी में एंजल्स बहुत मदद करते हैं, टैरो से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो मैं टैरो, एंजल थेरेपी, क्रिस्टल रेकी और रेकी सब कुछ सिखाती हूँ। सबकॉन्शियस हीलिंग सिर्फ 500 में अवेलेबल है दोस्तों, जो कि 30 डेज तक है, जो कि लोग मेरी आवाज़ को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। ओके, तो मैं अपने मुँह से तारीफ क्यों ना करूँ अगर उन लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो उल्टे सुलटे कमेंट भी आए थे, क्यों करें हम तुमसे, मतलब ये जलने वाले लोग करते हो कि मुझे तो इतना पता है। और जब रिजल्ट देखे सबकॉन्शियस हीलिंग के, इतने मुझे तो एक फैमिली मिल गई है। जैसे कि मैंने कल डाला था कि मेरी हेल्थ डाउन है, मैं हीलिंग आज नहीं लूंगी, तो सबने मेरी बहुत केयर की, मेरे लिए प्रे किया, तो मुझे ऐसा ऐसा लगने लगा है जैसे मुझे एक फैमिली मिल गई हो। तो सचमुच लाइफ बहुत चेंज हो जाती है अवेकनिंग के बाद। मेरी ये यूट्यूब तो मेरे लिए एक घर जैसा है, और यहाँ के सारे सब्सक्राइबर्स मेरे फैमिली मेंबर की तरह बन चुके हैं, जो बहुत सारा गुड लक मेरी लाइफ में लेकर आए हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं, सोलमेट आए हैं, गाइडर्स आए हैं, एंजल्स आए हैं, हर वो खुशी आई है। देखते हैं आपकी काउंटर पार्ट कब तक आते हैं। बट बहुत सोलमेट एनर्जी पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ दोस्तों, सोलमेट एनर्जी के साथ भी आपके बहुत सारे चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके साथ भी बहुत सारे मिरेकल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे डीएम के साथ देखने को मिलता है। एक छोटी सी बात बताती हूँ, आप देखो मैं और मेरे सोलमेट जो है, जो कि फीमेल बॉडी में है मेरी सोलमेट, हम तो फोन पे बात भी नहीं करते, जस्ट वॉइस क्लिप जो है व्हाट्सएप के थ्रू हम देखते हैं। जस्ट आप कांटेक्ट में भी आ जाओ तो एक दूसरे की वाइब्रेशन एक इतनी हायर, मतलब हावी हो जाती है एक दूसरे पर, कि चक्रा एक्टिवेशन होने लगता है। उनका भी फ्रंट एंड बैक हेड चक्रा एक्टिवेट हुआ, मेरा भी हुआ, सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होना तो बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि इससे जो है अबंडेंस लाइफ में आती है, तो वो भी बहुत अच्छे से बहुत ही क्लियरली एक्टिवेट हो रहा है, तो बहुत अच्छे अच्छे साइन मिल रहे हैं, तो एक दूसरे को हील करते हैं। तो मुझे कल ऐसा हुआ कि मेरे हार्ट में इतनी ज़्यादा एनर्जी हो गई, तो मैंने अपने सोलमेट से कहा, जो कि फीमेल बॉडी में है, कि शायद आपको पता नहीं है कि आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल हो, और आपकी एनर्जी जो है अटैक करती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, आपको उसको सही डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है। तो मुझे हार्ट की हीलिंग चाहिए थी, तो मैंने उनसे कहा आप मेरे हार्ट को हील कीजिए, और तब से उन्होंने वो एनर्जी मेरे हार्ट पे लगा दी है, तो मैं भी वो जो हूँ काफ़ी बेटर फील करने लगी हूँ।
हेल्थ वाइज ओके, तो ये हो रहा है अभी भी। सोलमेट कनेक्शन के बारे में मैंने कुछ सर्च नहीं किया, बट आने वाले उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ कि सोलमेट एनर्जी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। बहुत एक बात बुरी लगती है मुझे, मैंने अपने डीएम का एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया। मतलब जो होता है ना कि जो डीएम डीएफ बात करते हैं तो चक्र एक्टिवेशन के साथ एनर्जेटिक लेवल पर बहुत सारे चेंजेस आपको महसूस होने लगते हैं, तो ये मेरे कनेक्शन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने कभी बात ही नहीं की। तो इस चीज़ का मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि वो चीज़ जो मैं सोलमेट की एनर्जी में महसूस कर रही हूँ वो मैं अपने डीएम के साथ कभी महसूस नहीं कर पाई, जो कि आपका काउंटर पार्ट है। तो जो भी है, बट आने वाले दिनों में क्या होने वाला है दोस्तों कोई नहीं जानता, बट सोल पर्पजेस बहुत अच्छे अच्छे डिवाइन फेमिनिन को दिए जा रहे हैं। जैसे सबकॉन्शियस हीलिंग, जितने भी डिप्रेशन वाले लोग हो, अल्कोहलिक हो, बहुत लोगों को मैंने फ्री में भी दे दिया है उनका इंटरेस्ट देखते हुए। या जिनको कोई पैसे की प्रॉब्लम थी उनको मैंने, जो फीस उन्होंने दी उस फीस में मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और जनरली सभी ने जो है किसी को फ्री में भी दिया था, तो मुझे इतने अच्छे लोग मिलते हैं जिनको फ्री में भी दिया था वो बेचारे फ्री में लेते नहीं, वो बाद में फीस मतलब 2-4 दिन बाद हो ऐसे डाल देते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि एटलीस्ट उधार लेकर तो सही उन्होंने इस चीज़ को ज्वाइन किया और उस चीज़ का इतना इम्पोर्टेंस उनको है और उनके उनके ऊपर इतना असर हो रहा है। बहुत ही खुश है वो लोग और मुझे सबकॉन्शियस हीलिंग लेकर एक सुकून सा मिलता है। मुझे किसी ने कहा था कि मैं ना बताऊं इस चीज़ को, बट इस जर्नी में कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे आज ही हुआ है। देखो आपकी दुनिया से लोग आते हैं, और जो कि स्टार सीड हो आप, अगर आपकी दुनिया से लोग आते हैं और आपके अंदर इम्प्लांट्स डाल के चले जाते हैं। आप बोलते हैं ना सब लोग मेरी आवाज़ बहुत मीठी है। देखो 2 दिन पहले मुझे खांसी थी, ओके, मैं बात नहीं कर पा रही थी, मैं पॉज करती थी, खांस लेती थी, फिर बात करती थी। तो सबकॉन्शियस हीलिंग भी मैं ऐसे ही लेती थी, मगर रात में मुझे अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। जैसे मशीन बोलती है ना, बट वो बहुत ही लो के छोटे से साउंड, लेकिन वो बहुत क्लियरली, मतलब देखो जो होता है ना इंसान, मतलब मैं अगर सबकॉन्शियस में उतर सकती हूँ तभी आपको सबकॉन्शियस में लेकर जा सकती हूँ, समझ रहे हो आप? तो मेरे अंदर वो पावर्स, उन्होंने वो इम्प्लांट्स मेरे गले में डाले कि अब मैं जो हूँ आपको उस दुनिया तक ले जाके हिप्नोटाइज कर सकती हूँ जिस दुनिया से आप आए हो, जिस गैलेक्सी से आप आए हो। मेरा लॉजिकल माइंड बहुत कमज़ोर है, मैं उन शब्दों को शायद उस तरह से यूज़ नहीं कर पाती जिस तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी यूज़ करती है। मैं इमोशनल लेवल पर ज़्यादा काम करती हूँ, बट गॉड गिफ्ट है कि मेरी आवाज़ आपको बहुत डीप सबकॉन्शियस में लेकर जाती है। आने वाले दिनों में जो भी ये 30 डेज कंप्लीट करेगा, जो कि सिर्फ 500 रुपये में रखे है, तो उसको आदत पड़ जाएगी सबकॉन्शियस में उतरने की। तो लास्ट में फाइनल में लिए जाने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो वो रंग चढ़ने वाला है इसमें, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ ऐसे इम्प्लांट्स रात को 2 बार मेरे अंदर डाले गए, मेरे थ्रोट चक्र के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी डाली गई, या मैं कहूँ मुझे बहुत 3D 5D 6D पता नहीं 12D कहाँ शिफ्ट कर दिया है मुझे नहीं पता, पर मेरी एनर्जी शिफ्टिंग हुई है आज। और कुछ आवाज़ें मैंने सुनी, अब इन आवाज़ों का क्या मतलब था पता नहीं, बट मेरा थ्रोट चक्र एक्टिवेट होने लगा। मेरे थ्रोट चक्र के अंदर ऐसी पावर्स डाली गई है जो आपको हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में ले जा सकती है, आपको उस गैलेक्सी में ले जा सकती है, उस प्लैनेट पे ले जा सकती है जहाँ से आप आए हो, और ये वही जाएगा जिसके लिए लिखा हुआ है अकाउंट। बट मेरे हाथ में ज़रूर वो जादू की छड़ी पावर्स दी गई है कि मैं आपको सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू हिप्नोटाइज करके लेके जा सकूँ। ओके, गुड बाय।